इंसान बोल नहीं पाएगा, अगर इंसान सुन नहीं पाएगा तो जिंदगी अधूरी सी रहेगी। करनाल मेडिकल सेंटर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कोक्लियर एक यंत्र है जिसके जरिए हम सुन सकते हैं। बस आपको खास बात ये रखनी है कि जब बच्चा पैदा होता है या उसकी उम्र 1-2 साल होती है तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो करवाना जरूरी है। उससे ये पता चल जाता है कि बच्चा अच्छे से सुन पा रहा है या बच्चा अच्छे से बोल पा रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। डॉक्टर संजय खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो कार्यक्रम किया गया कोक्लियर द्वारा, ब्रेटली भी यहाँ पर पहुँचे, क्या ये कार्यक्रम है और लोगों को क्या अवेयर किया जा रहा है इसमें? सबसे पहले जो है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप आए यहाँ पर। जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस कैंपेन है नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हमको उसका हियरिंग टेस्ट कराना है, ताकि वो बच्चा जल्दी से जल्दी हम लोग पकड़ सकें जिसको सुन नहीं रहा है। और बेसिक चीज़ है कि जो सुन नहीं पाते वो बोल नहीं सकते, तो वो बच्चा जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, जिसका जो है 70-80% वो डेफ बच्चा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो अपनी बोली सीख नहीं पाएगा, अपनी स्पीच सीख नहीं पाएगा। तो जितनी जल्दी ऐसे बच्चों को हम लोग चिन्हित कर लेंगे उतना जल्दी उसका इलाज कर पाएंगे, उतना जल्दी उसको जो है हम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर पाएंगे, उतनी जल्दी उसकी जो है स्पीच थेरेपी करा के उसको बोलना सिखा पाएंगे। प्रियांशु यहाँ पर हैं, ये आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये है, ये कॉकलियर इम्प्लांट है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जो ऑपरेशन द्वारा अंदर लगा दिया जाता है स्किन के अंदर, और उसकी एक तार महीन तार होती है जो कॉकलिया हमारा स्ट्रक्चर है अंदरूनी कान का हिस्सा, उसमें वो तार डाल दी जाती है ताकि वो सीधा ब्रेन से कनेक्ट हो जाए सुनने के सेंटर से। सो वो इम्प्लांट सर्जरी हो चुकी है। अब उसके बाद ये दूसरा पार्ट है कॉकलियर इम्प्लांट का, जो कि इसको साउंड प्रोसेसर कहते हैं। ये उसके साथ मैग्नेट द्वारा कनेक्टेड रहता है, और ताकि जो ये हम लोग आवाज़ बोल रहे हैं यहाँ से, इसको वो प्रोसेस करता है, यहाँ पे प्रोसेस करके उसको मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अंदर पहुँचाता है, फिर वो अगेन वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कन्वर्ट होके ब्रेन तक जाती हैं और सुनने की जो सेंटर है वहाँ तक पहुँच के हमको सुनाई देता है। बिल्कुल, आपने एक बात ये भी कही थी कि कॉस्ट की वैल्यू हम नहीं देखा करते हैं, ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार कई लोग होते हैं वो इस तरह का ऑपरेशन नहीं करवा पाते या कोक्लियर जो ये यंत्र है ये नहीं लगवा पाते, तो सरकार से आप लोगों का क्या टाई अप चल रहा है? केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प करती है या क्या हेल्प कर सकती है, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये अवेयरनेस प्रोग्राम और कैंपेन कर ही इसी ले रहे हैं कि सरकार को जगा सकें, ताकि वो ऐसे प्रोग्राम करके अवेयरनेस क्रिएट करें, और हम लोग और जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये हियरिंग टेस्ट शुरू हो जाए। ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उस स्तर पे नहीं चल रहा जिस स्तर पे 100% स्क्रीनिंग होनी चाहिए हर न्यूबॉर्न बच्चे की, पैदा होते ही बच्चे की, वो नहीं हो रही है। हम लोग सरकार से भी यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट करें। डेफनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है जो ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, लेकिन उस स्तर पे जाना है जिसमें 100% हर बच्चे का हम लोग हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करें, ताकि जल्दी से जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इलाज कर सकें। प्रियांशु हमारे साथ मौजूद हैं, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने नीट का टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद आपका MBBS में एडमिशन हुआ। जब ये चीज़ लगी, आपका कोक्लियर लगा, ये यंत्र लगा, क्या पता चला था, किस तरह से परेशानियां आई और उसका किस तरह से आपने सामना किया? सबसे पहले कोक्लियर लगा के एक तो उसकी केयर करनी पड़ती है, अगर ये नीचे गिर गया टूट गया एक वो तो केयर करनी, जब छोटा था वो पेरेंट्स केयर करते हैं, जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया मुझे खुद केयर करनी पड़ती है। जैसे और जैसे हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं बास्केटबॉल में, उसमें बॉल लग जाती है उसका केयर कर, और एक स्वेटिंग की होती है तो पसीना आता है वो उसका पानी चला जाता है, वो केयर करनी पड़ती है मुझे बस। तो अब बिल्कुल सही तरीके से ये चल रहा है, और बाकी जैसे बच्चे खेलते हैं उनके साथ खेलना पढ़ना, बाकी बच्चों जैसे इसकी वजह से मैं स्कूल में, मैं जनरल स्कूल में ही पढ़ा हूँ, जैसे बाकी बच्चों की तरफ कंपटीशन बराबर ही कर रहा हूँ, और नीट में भी कंपटीशन हुआ है उसमें भी, और +1 +2 में भी मैंने कोचिंग सेंटर में पढ़ा था, जनरल बच्चों के साथ ही पढ़ा हूँ, कंपटीशन सारे मतलब नॉर्मल काम किया मैंने सारा, कोई
कोई दिक्कत नहीं आई मुझे तो। कोई दिक्कत नहीं आई प्रियांशु को, आप लोगों ने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया मेडिकल सेंटर, करनाल मेडिकल सेंटर और इंडिया मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया था, इनकी अपील है कि सरकार अच्छे स्तर पर काम करे इसके लिए, ताकि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं जन्म के बाद, उनके लिए कुछ मदद हो सके और आगे चलकर वो प्रियांशु की तरह एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें और अपनी जिंदगी सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। स्टार तभी आता है जब स्टेज तैयार हो, बीच में स्टार